अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर, राम मंदिर से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बड़ा फैसला, राम भक्तों के माथे पर अब चंदन नहीं लगाया जाएगा, चंदनव्रत देने पर भी रोक लगा दी गई है। दान पेटिका में जाएगी श्रद्धालुओं की दक्षिणा, पुजारी को पैसा देने के बजाय दान पेटिका में जाएगा दान, सभी राम भक्तों के साथ होगा समान व्यवहार। प्रभु श्री राम का दर्शन पूजन करने आने वाले भक्तों के माथे पर अब तिलक नहीं लगेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तत्काल प्रभाव से गर्भगृह के पुजारियों को ऐसा करने से रोक दिया है, साथ ही चंदनव्रत देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अब पुजारियों को मिलने वाली दक्षिणा भी दान पेटिका में ही रखी जाएगी। भव्य मंदिर में अपने आराध्य के विराजमान होने के बाद 22 जनवरी से ही राम नगरी में प्रतिदिन विभिन्न प्रांतों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वो प्रभु श्री राम के दर्शन के साथ के अति करीब जाकर पूजन करने को भी उत्सुक रहते हैं। श्रद्धालु के मन में एक शंका भी होती थी और ट्रस्ट के प्रति उनका रोष भी होता था कि किसी को चंदा मिश्र रहा है, किसी को टीका लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है। तो निश्चित है कि ऐसा तो हम दें तो सभी को दे, सभी के साथ समान व्यवहार करें कि वो दर्शनार्थी हमारे लिए सब बराबर है। तो उसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया लोगों की आई कि कुछ लोग विशिष्ट लोग बन करके उनकी वो होती है, तो इसको दूर कर दिया गया है जिसमें कि भगवान के दरबार में सब बराबर है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दर्शन को लेकर व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव किया है, जिसमें सबसे खास बात यह है कि अब जो विशेष लोग दर्शन पूजन को जाते थे उनको ना तो चंदन लगाया जाएगा और ना ही चरणामृत दी जाएगी। इसके साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि अब जो श्रद्धालु रामलला को दान देने के साथ साथ पुजारियों को दान देते थे, अब वह दान पुजारियों को न देकर सीधा ट्रस्ट को जाएगा, या यूं कहें जो दान पत्र लगाया गया है उसमें दान दिया जाएगा। तो इसको लेकर जहां एक तरफ पुजारियों में एक रोष है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रस्ट का साफ तौर पे कहना है कि इसको लेकर व्यवस्थाएं जो है बाधित होती थी, क्योंकि जो विशेष लोग जाते थे उनको ही चरणामृत और इसके साथ ही साथ चंदन लगाया जाता था, जिसको लेकर श्रद्धालु उसका आपत्ति भी करते थे, इसलिए यह बदलाव किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत हेम के साथ संजीव आजाद, न्यूज स्टेट, अयोध्या। वाराणसी के अस्सी स्थित जगन्नाथ मंदिर में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन से ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्नान कराने वाले